अगर ये पीडीएम वाले फैसला करते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, अभी हमने मुश्किल फैसले करने हैं, तो जो गाली पड़ेगी वो तो नून लीग को पड़ेगी ना, बिकॉज नून लीग का प्राइम मिनिस्टर है। गाली तो नून लीग को पड़ेगी, पीपल्स पार्टी को क्या गाली पड़ेगी? वो तो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी सिंध में सिक्योर है, पंजाब में वैसे ही उनके कोई चांसेस नहीं है ज़्यादा सीटें लेने के, 5, 10, 15 सीटें ले लेंगे, तो उनको तो कुछ भी नहीं, वो तो कहेंगे जी इन्होंने ये फैसला किया है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान तो नून लीग का हो जाएगा, और तो किसी का नहीं होगा। तो इसलिए, और MQM वाले जो हैं वो तो वैसे ही कराची में बैठे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, उनका पहले ही समझौता हो गया है कि जब भी इलेक्शन होंगे वो क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इसलिए स्केप कोट जो है ये इस वक्त मुस्लिम लीग बनने के लिए तैयार नहीं है, सारा बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी सब चुप करके बैठे हुए हैं, वो यशी करें, खान साहब भी दंदनाए, जरदारी साहब भी कहें जी हमें इलेक्शन नहीं चाहिए अभी और हमें तो हुकूमत चाहिए, मगर जो सबसे बड़ा नुकसान है वो नून लीग का हो जाएगा। और इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी पंजाब में खसूसन नून लीग की है, तो वो क्यों अपनी पॉपुलैरिटी को है? तो बात यह है कि ये अगर एस्टैब्लिशमेंट ये ना कहती इनको कि अभी फौरन तौर पे इलेक्शन कराएं, और उनको कहते ठीक है आप ये करें और चलने दें, हम आपको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, और एक पूरा एक बयानिया बना दिया गया है बाहर आवाम के अंदर भी, मीडिया के अंदर भी, कि अब और कोई रास्ता नहीं है, इलेक्शन ही होनी चाहिए, इलेक्शन ही होनी चाहिए, इलेक्शन ही होनी चाहिए। मगर जो बात मैं कह रहा हूँ कि जब ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त ये प्रोग्राम नहीं था। अगर ऐसा प्रोग्राम होता तो ये उसी वक्त जब इमरान खान ने कहा था कि मैं डिसॉल्व करता हूँ, तो उस वक्त डिसॉल्व PDM मान जाती, मगर उस वक्त तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी।